या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है और 9 दिन तक शक्ति की उपासना हर घर में होगी और इसके चलते इस बार गरबा का आयोजन लॉकडाउन की वजह से सांकेतिक रूप से होगा और जिस तरह से केंद्र सरकार की राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि भीड़ में न रहें, भीड़ में न जाएं और भीड़ जैसे आयोजन न करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और देवी मंदिरों में शक्ति उपासना होगी, पूजा होगी, अर्चना होगी, लेकिन भीड़ से सभी को बचना है और कोरोना महामारी को मात देना है। शक्ति की उपासना हर व्यक्ति करता है, शक्ति की उपासना पूरे जगत में होती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते क्या है इसके कायदे, क्या है इसके नियम और कोरोना महामारी की क्या गाइडलाइन है नवरात्रि के लिए, आइए हम बात करते हैं जिला कलेक्टर उदयपुर चेतन राम देवड़ा से। जी सर बताएं क्या इस बार रहेगी व्यवस्था नवरात्र का। 17 अक्टूबर से नवरात्र का पर्व चालू हो रहा है जो 9 दिन तक चलता है, उसके बाद दशहरा और फिर दिवाली आती है। नवरात्र में घरों में देवी माँ की स्थापना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, गरबा मंडलों में सामान्य तौर पर गरबा होता है, पर इस वक्त कोरोना की महामारी के चलते गरबा पर और भीड़ भाड़ पर आयोजनों पर पूरी रोक रहेगी, पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सारे उदयपुर ज़िले के निवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि नवरात्रा की स्थापना और पूजा घरों में ही करें, देवी माता की आराधना घरों में रहकर ही करें और ये इस तरह के भीड़ भाड़ के आयोजन रहें, इनसे बिल्कुल बचें क्योंकि इन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ज़िले में पिछले कई वर्षों से ये परंपरा रही है कि मूर्तियों का विसर्जन हम इन जिलों में नहीं करते हैं ताकि इन जिलों को साफ सुथरा रखा जा सके, पर्यावरण इनका सुरक्षित रहे और ये परंपरा बनी रहेगी और आगे के वर्षों में भी हम इसको जारी रखेंगे। मैं इसलिए आप सबसे उम्मीद अपील करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ नवरात्रा के इस पर्व की कि घरों में रह करके देवी माता की आराधना करें, उसकी पूजा करें और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसकी हम पालना सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी के चलते इस बार देवी मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं और कोरोना महामारी के चलते देवी मंदिरों में तो इंतजाम हुए ही हैं, लेकिन यहाँ समाजों, संगठनों और विशेष रूप से आयोजन जो गरबा के कराते हैं वो इस बार क्या कर रहे हैं, आइए हम चलते हैं गुजराती समाज के भवन में। नवरात्रि महोत्सव आरंभ होने वाला है और इसकी तैयारियों में सभी समाज और सभी संगठन लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार नवरात्रि कई जगह सांकेतिक रूप से मनाई जा रही है। देवी मंदिरों में और अनेक संगठन, अनेक समाज क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं इस नवरात्रि महोत्सव की, हम आए हैं गुजराती समाज के इस सभा भवन में और यहाँ पर गुजराती समाज के पदाधिकारी हैं। राजेश भाई, आप बताएं कि किस तरह से इस बार आपका आयोजन होने वाले हैं। जी, वंदे मात की जय। सबसे पहले इस COVID-19 महामारी की वजह से सरकार का आदेश से 144 की धारा की वजह से, प्रशासन की वजह से हमने नवरात्रि उत्सव का कार्यक्रम बंद रखा है, लेकिन गुजरात की जो परंपरा है इस परंपरा को कायम रखते हुए हम हमारे समाज के अंदर सभी मिलकर, हमारे साथीगण मिलकर हम नवरात्रि के उपलक्ष में गरबी तो हम करेंगे नहीं पर माता जी का आरती का आयोजन करेंगे, यही हम इस नवरात्रि के उपलक्ष में करेंगे।
दूसरी बात, इस महामारी की वजह से सब लोग परेशान हैं, सभी की भावना है कि नवरात्रि बहुत अच्छी तरह हुए, लेकिन इस महामारी के वजह से सबकी इच्छा अधूरी रह गई है। माँ अम्बे माँ से हम यही अपील करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, हे अम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ, इस महामारी को जल्दी से जल्द मुक्त करें, इस उदयपुर को मुक्त करें, इस भारत देश को मुक्त करें और दुनिया को मुक्त करें, यही हमारी प्रार्थना है। और मेरे साथ गुजराती समाज के उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप भाई सोनी हैं और कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान नितिन भाई पटेल हैं। इसके बारे में आपको रूपरेखा देंगे, पर मैं एक बात खास कहना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक बात खास कहना चाहता हूँ, शिवानी साहब, आप इस उदयपुर की धरा पर हमेशा सकारात्मक कार्य करते हो, चाहे राजकीय हो चाहे धार्मिक हो, आपकी सोच हमेशा उम्दा रहती है। मैं इसके लिए मेरी व्यक्तिगत की तरफ से और समाज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे के लिए मैं दिलीप भाई से विनती करता हूँ, वो बोले। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिलीप भाई सोनी, गुजरी समाज का उपाध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत गुजराती समाज में। गुजराती समाज दर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि का आयोजन कर जरूर रही है, लेकिन कोविड के जितने भी नियम हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी हमको गाइडलाइन दी हुई है, उसी के अंतर्गत हम इसमें काम करेंगे। हमारा मुख्य कार्य माता जी की आरती, जो कि नव दुर्गा माँ की हमने एक प्रतिमा बनाई हुई है, उसकी हम प्रतिदिन नियमानुसार रात्रि 9 बजे आरती करेंगे। उदयपुर में गुजराती समाज द्वारा कई वर्षों से गरबों का आयोजन किया गया है। 1960 से लेके ये 2019 तक कंटिन्यू हम सभी तरह के गरबे, लेकिन माता जी की आराधना के साथ में करते हैं। हमारे यहाँ पे फिल्मी धुनों पे गरबे नहीं होते हैं। 1960 से लेके 1965 तक चमनपुरा हाथीपोल में गरबे किए थे, उसके बाद में हमने आरएमपी स्कूल में गरबे किए, उसके बाद हमने ओसवाल भवन में गरबे किए, उदयपुर सॉफ्ट फैक्ट्री में गरबे किए, और 1905 से लेके हमारे गुजराती समाज का भवन जो पारस महल होटल के सामने स्थित है, यहाँ पे हम 2005 से कंटिन्यू दर वर्ष गरबों का आयोजन कर रहे हैं। पूरी गुजराती रीति रिवाज से हम यहाँ गरबे कर रहे हैं। कोई भी दर्शक, कोई भी गरबे लेने वाला, कोई भी माता बहन है, इसमें चप्पल और बूट के साथ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। द्वितीय, हम मांडवी रखते हैं बीच में, जो नव दुर्गा की एक मांडवी होती है। हमारे यहाँ महत्व गरबे का है, यानी कि जो मटकी जो होती है जिसका हम दीपक जलाते हैं और उसको हम 9 दिन हम उस गरबी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मूर्ति वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी सद्भावनाओं के साथ में हम यहाँ पे गरबे कर रहे हैं और गरबे करेंगे, लेकिन जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन मिली हुई है, धारा 144 जो लागू है, प्रशासन का पूरा साथ देते हुए हम इस बार गरबी का आयोजन करेंगे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? नितिन जी पटेल बोल रहा हूँ। मैं कोरोना के कारण से इस बार गरबा तो रद्द कर दिया है, जो होगा हमारे कार्यकारिणी में डिसाइड हुआ है। बाकी आरती करेंगे, पूजन करेंगे, वो सब करेंगे, हमारे कारोबारी वाले सब आएंगे, जो हो वो जितना हो उतना प्रशासन का साथ देंगे। तो ये बात, पिछले कई वर्षों से नवरात्रि महोत्सव में गरबा पंडालों तक तस्वीर माता जी की पहुंचाने वाले विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता इस बार भी सक्रिय हैं, क्या कहना है? एवं आलोक इंटरनेट क्लब सेक्टर 11 की ओर से आज हम लोगों ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर तस्वीरों का विमोचन करके और इनको बांटने का जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, मैं आपको निवेदन कर दूं कि 2006 में बजरंग सेना मेवाड़ ने ये जो निःशुल्क तस्वीरों का वितरण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनती है और जो पानी विसर्जन होती है, तो कहीं ना कहीं विसर्जन करने के पश्चात जो उसका प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण से पानी भी खराब होता है, दूसरे भी, और उन सब के अभियान के तरफ 2006 से हम लोग ये तस्वीरें बांटते हुए आ रहे हैं। और लगभग इस बार भी क्या है, कोरोना वायरस और कोरोना काल को महामारी को देखते हुए हम लोगों ने इस बार 150 तस्वीर नहीं करके 51 तस्वीरें रखी है, और वो भी हम लोग मठ मंदिरों में वितरित करेंगे और वहाँ करके माता जी से ही प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस को समाप्त करेंगे। बजरंग सेना और आलोक इंटर क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ये
नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो ये तस्वीर वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, मैं इसके लिए सभी को साधुवाद देता हूँ। अभी जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि माँ दुर्गा ही हमें इन सारी चीज़ों से निकाल सकती है। जो ये इस बार 51 तस्वीरें जो मठ मंदिर में बांटे जाएं, मेरा सभी से अनुरोध है कि वह अपने अपने घरों में बैठकर वहाँ पर माँ की आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज ये जो इस इतना बड़ा संकट देश के ऊपर छाया हुआ है, इसको उभारने में हमारी मदद करें। एक बार पुनः सभी को नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। माँ अम्बे आपकी रक्षा करें।